ये देखिए पूरी एक्टिंग करेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। देखा को बोले तो इधर काट रहा है ये देखिए ये, अब हमने पकड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई अल्फत आबासी। आज मैं अपनी ज़मीन पर हूँ, पर गन्ने कटाई हो रही है, शुगर मिल भी शुरू हो चुके हैं, ठंड भी बढ़ चुकी है, ज़्यादा ठंड है, कल से तो आज भी ज़्यादा ठंड है, और गंदम को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इससे। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारे गन्ने की कटाई कैसे होती है और उनका रेट क्या, ये भी आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, अब अच्छा वाला खुश है ठीक ठाक कितिया हमारा आसान कमा रो मानी खाना हुआ। इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, इसको हम यहाँ रेड़ी कहते हैं। इससे ये गन्ना काटा जाता है और अल्लाह की मेहरबानी से ये वो तेज़ होती है। रेट है वो गन्ने का अच्छा खासा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 200 से ऊपर है। वैसे सिंध में गन्ना के हिसाब से ये हमारी जो पट्टी है इसकी पूरा बेल्ट को गन्ने के लिए मौजूद कर दिया गया है, लेकिन रेट ना मिलने की वजह से लोग ख़त्म कर रहे हैं और तकरीबन 60% गन्ना ख़त्म हो चुका है, लोगों ने निकाल दिया है। दोस्तों ये जो गन्ना है इसका जो रेट मिलता है उसे टैक्स भी हम अदा करते हैं, टूल टैक्स और सी टैक्स जो भी टैक्स होता है, ग्लोबल टैक्स होता है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, किसी और जगह नहीं जाता। इसके अलावा हमें जो पैसे निकालते हैं टैक्स देते हैं, लेकिन बड़ी दुश्मनी ये होती है कि इस पर गवर्नमेंट डिडक्शन लगती है, जो मिल डिडक्शन लगाती है उसका लिखता भी नहीं है कि कितनी डिडक्शन लगी, ये बड़ा नुकसान होता है। शुगर मिले किसी की नहीं सुनेगी, वो डिडक्शन लगाएंगी 20%, 30%, 40%, अगले साल 50-60% भी लगाए डिडक्शन, अगले साल 60% डिडक्शन लगाए, और उसके अलावा 75 रुपये में मन, 20-22 रुपये मजदूरी, अब हमें 30-40 रुपये लोगों ने अपने घर से पैसे दिए थे, उस वजह से ये गन्ना लोगों ने निकाला। अब इस साल गन्ना है ही नहीं, बहुत कम है, और इस साल इसका रेट अच्छा है। फिर ये लगाएंगे दो लोग दोस्त लगाएंगे, फिर 30 साल के बाद रेट ही होगा। दोस्तों कम लगाओ, लगाओ जो कम लगाओ इतना कितनी गुजारिश हो। दोस्तों ये हैंडपम्प है हमारे यहाँ ज़मीनों पर लगे हुए हैं, ज़मीनों के पीछे भी लगा हुआ है, जहाँ भी ज़रूरत होती है हैंडपम्प लगा देते हम लोग, ताकि आराम से हम लोग पानी भी पी सकें, हाथों भी धो सकें, और स्पेशली वजू के टाइम पे वजू भी कर सकें। किसी दोस्त ने पूछा है जो आपने हाफिज़ एंड ब्रादर्स वाली गंदम लगाई थी उसका क्या हुआ, मैं उस पर आ गया हूँ। ये हाफिज़ एंड ब्रादर्स वाली गंदम है, वो दिखाता हूँ आप देखें। दोस्तों ये हमें बीज मिला था हाफिज़ एंड ब्रादर्स का, 10 किलो का बैग था पर एकड़ पर, और एक एकड़ तक से 2 एकड़ तक हमने लगाए थे, पर केजी 1000 का था, और हमने लगाते वक्त ज़ोरावर दिया, और 2 बोरी ज़ोरावर थी 2 एकड़ के लिए, और पानी दे दिया था। उसके बीच में हमने अभी वीट का स्प्रे किया है और पानी लगाया था, 1 बोरी यूरिया और 2 बोरी जिंक भी दी थी हमने इसको। देखिए देखने में तो अच्छी आ रही है, इसका छटरा अच्छा है, इसके देखने में तो समझ में आ रही है कि ये अगर सट्टे बहुत ज़्यादा निकालेगी, देखते हैं कैसे होगी ये। इसमें अभी तक जो वीड्स ख़त्म नहीं है वो देखिए घास से, अभी उस दवा ने पूरा असर नहीं किया, लेकिन आस्ता 15 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये भी कहीं कहीं पे पीली भी हो रही है, तो देखिए आप ये कैसी हो रही है। अभी देखो पीली तो रही, अभी चलो हम चलते हैं अपने गन्ने पे, गन्ने का फसल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इससे डरता भी नहीं है ये पौधा, इसको अपने खाने के लगे पड़े सर्दी में, ये साथ बैठा हुआ है। सर्दी में इन
जो परंदे हैं इनको भी भूख लगी है। केरा जगह पकड़े ना गए ये बताएगा हाँ पकड़े दे। अब ये एक पकड़ने के लिए आ रहा है देखिए हिम्मत कर इसमें अब इसे को पकड़ना आया मेरे ये देखिए पूरी एक्टिंग करेगा इसको पकड़ने की कोशिश करेगा देखा को बोले तो इधर काट रहा है ये देखिए ये अब हमने पकड़ लिया यही तो ये पकड़ लिया इसकी आप ये देखिए लाल शाह इसका नाम क्या है इमेज लाल शाह बग कंग यहाँ पे कंग भी कहते हैं बगो भी कहते हैं इसको लेकिन इस बच्चे ने मम्मी ने पकड़ लिया है इसको तो बड़ी मार दे भाई ये देख लिया आपने ये कैसे थोड़ा सा मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ये यहाँ पे जो जीत होते हैं या वो वॉर्म होते हैं वो खाते हैं यहाँ पे इसके पाँव देखिए माशाल्लाह अब ये इसको पका के हम खा लें खाऊं पड़ने लगे पता है हाँ ये पकड़ो खाए ये पकड़ो पता है खाए ये क्या सुने जिसे पकड़ा है वही पकाए खाएगा भाई ये अच्छी बात है जिसकी मेहनत है उसको नसीब हो सकता है वाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह इसको छोड़ देंगे हम हमारे क्या काम का है लेकिन आपको मैंने दिखाया चलो चलो देखो ये भाग हो गया ऐसे ही होता है ये देखिए दोस्तों बता रहा है कि अब बारिश होगी तो हम चलते हैं उधर बैठते हो ताकते अभी ठंड की वजह से सब अपनी बैठक में आ गए हैं अब हमारी ये अब देख रहे हैं कचहरी मीटिंग गपशप चल रही है इंशाल्लाह अभी ख़त्म करेंगे फिर भाग जाएंगे घर पे दो मिनट के लिए यहाँ पे हैं ये चाय मेरी पड़ी हुई है आ गई है आओ पटो मिस लो चाय बैठो जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारा प्रोग्राम आपने देखेगा देखिए आज हम गन्ने की कटाई शुरू हुई वो भी आपको मैंने दिखाई है और उसके बाद बच्चे ने कैसे परंदा पकड़ा वो भी आपने देख लिया उसके बाद मैंने वो गंदम दिखाई किसी भाई ने पूछा था उस गंदम का क्या हुआ जो आपने लगाई थी तो माशाल्लाह वो गंदम अच्छी हो रही है आज बारिश अगर बारिश पड़ गई तो हम इसके बारिश के पानी पे भी खाद दे देंगे इंशाल्लाह और जहाँ 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 पर खाद दे सके उस ज़मीन की नौबत को देख के खाद दे देंगे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपके भाई को आपके शेयर करने और लाइक करो सब्सक्राइब की सख्त ज़रूरत है आप एडवाइस दीजिए आपकी राय हमारे लिए लाजमी है आपकी राय हमारे अफसर आँखों पे हम देखें सुनेंगे और कुछ ना कुछ उससे हासिल करेंगे तो सब इंसानों के लिए जो इस दुनिया में रहते हैं जो जिंदा हैं अल्लाह उनकी रिज़्क़ को खुशहाली फरमाए उनके मसले मुश्किलात में आसानी फरमाए उनके तकलीफ़ें दूर फरमाए और जो फौत हो गए अल्लाह उन सब की मगफ़रत फरमाए तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।